हमीपुर के अनु सिंथेटिक खेल मैदान में एथलेटिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व खेल निदेशक एवं अर्जुन अवार्डी सुमन रावत ने शिरकत की। इस अवसर पर पहुंचे मुख्य अतिथि सुमन रावत को एथलेटिक प्रतियोगिता के आयोजकों द्वारा शाल टोपी व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। खिलाड़ियों की मार्च पास्ट की सलामी के बाद विधिवत खेलों का शुभारम्भ किया गया। दो दिवसीय खेल की प्रतियोगिता में जिला भर के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सुमन रावत ने खिलाड़ियों को खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मैदान में खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को हार जीत को लेकर मैदान में नहीं उतरना चाहिए, बल्कि सीखने की भावना से खेल मैदान में प्रदर्शन करना चाहिए। इस प्रतियोगिता के आधार पर जून माह में होने वाली प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता व नॉर्थ जोन प्रतियोगिता के लिए भी खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। बता दें कि दो दिवसीय एथलेटिक प्रतियोगिता में एच टुडे चैनल हमीरपुर मीडिया पार्टनर की भूमिका निभा रहा है। इस अवसर पर एथलेटिक एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष पंकज भारती, कोच भूपेंद्र सिंह ठाकुर के अलावा परशुराम अवार्डी, पुष्पा ठाकुर उपाध्यक्ष, विजय अतुल, सुरेश ठाकुर महासचिव, संदीप डडवाल सचिव, संगठन सचिव विजय राणा, कोषाध्यक्ष रजनी शर्मा, सचिव अनिल शर्मा के अलावा। एपीएस अकादमी ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स हमीरपुर के वार्षिक समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मेरा बोला है बंधारी के हंसराज रघुवंशी ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया और अपनी सुरीली आवाज से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस अवसर पर हिमाचल और दिल्ली चंडीगढ़ से आई हुई मॉडल्स ने रैंप पर संस्थान के द्वारा बनाए गए परिधानों को भी प्रस्तुत किया। रैंप पर मॉडल्स की पारंपरिक परिधानों के साथ दूसरे राज्यों के परिधानों को इस तरह से प्रस्तुत किया गया कि हर कोई दंग रह गया। वहीं गायक हंसराज रघुवंशी ने अपने संगीत के शुरुआती पलों को साझा किया। बता दें कि रघुवंशी का मेरा भोला है भंडारी के गाने को अब तक YouTube पर 50 मिलियन से ज्यादा लोग पसंद कर चुके हैं और उनके गानों को हर कोई पसंद कर रहा है। वहीं अब हंसराज की एंट्री बॉलीवुड में भी हुई है, जहां पर वह सनी देओल की आने वाली फिल्म में अपने गानों से धमाल मचाएंगे। आपको बता दें कि हंसराज रघुवंशी हिमाचल के बिलासपुर जिला के रहने वाले हैं और बचपन से ही गायकी का शौक रखते थे। वर्ष 2016 में उनका पहला गाना बाबा जी और गंगा किनारे, फकीरा, कसोल, परिंदा, डमरू वाले, ऐसे मधुर गानों को लोगों ने बेहद ही पसंद किया है। इस अवसर पर संस्थान प्रबंधक शकुंतला शर्मा, सतपाल शर्मा के अलावा शहर के गणमान्य लोग भी काफी संख्या में मौजूद रहे। बरमाना थाने के अंतर्गत कैंची मोड़ के पास गाड़ी नंबर HP 24A 5939 सड़क के करीब 20 फुट नीचे गिर जाने के कारण उसमें बैठे चालक अक्षर सिंह पुत्र लालमण गांव व डाकघर बरमाना तहसील सदर जिला बिलासपुर की मौके पर ही मृत्यु हो गई। उसके साथ बैठे उसके भाई बंसीलाल घायल अवस्था में जिला अस्पताल बिलासपुर पहुंचाए गए। थाना प्रभारी विलोचन नेगी ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई कर रही है। उपरोक्त अल्टो कार सुंदरनगर से बरमाना की ओर आ रही थी कि अचानक कैंची मोड़ के पास सड़क से नीचे जा लुढ़की। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति ने मौके पर दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे का उपचार जिला अस्पताल बिलासपुर में किया जा रहा है। जिला बिलासपुर के झंडता उपमंडल में भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में खूनी संघर्ष हुआ। मारपीट में भाजपा कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं मारपीट के बाद भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। वही लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को वहां से भगाया, जिसके बाद माहौल शांत हुआ। जबकि घायल भाजपा के कार्यकर्ता को झंडता अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया। इधर पुलिस ने इस बारे में मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
खबर की पुष्टि थाना प्रभारी संजीव कुमार ने की है। जानकारी के अनुसार भाजपा कार्यकर्ता अक्षय कुमार ने बताया कि वह बलधार पंचायत में पार्टी पोस्टर लगाने का कार्य कर रहा था। इसी दौरान कांग्रेस के लोग वहां नशे में धुत होकर पहुंचे, जो कि ऊना से राहुल गांधी की रैली से लौट रहे थे। इन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की। इस दौरान कांग्रेस के लोगों ने उसके साथ गाली गलौज भी किया है। झंडका पुलिस ने अक्षय की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। भाजपा मंडल झंडका के महामंत्री दिनेश चंदेल ने बताया कि मारपीट के बाद जब वह घायल कार्यकर्ता को अस्पताल लाया गया तो वहां पर भी कांग्रेस के लोग आ धमके और भाजपा को धमकियां देने लगे, जिससे माहौल अस्पताल में भी तनावपूर्ण हो गया। लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस सारी स्थिति को कंट्रोल में किया। चंदेल ने कहा कि अगर मारपीट करने वालों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो वह चक्का जाम भी करेंगे।